Hello students, welcome again in class 7 science. In this video lecture we will study about the acids and their behavior, about the formation of acids. Acids and their behavior. So things that we eat contain acids. तो स्टूडेंट्स जितने भी चीज़ें हम लोग खाते हैं जो खट्टी होती है, सोर मीन्स खट्टी, जितने भी खट्टी चीज़ें होती हैं उनमें कोई न कोई एसिड पाया जाता है. फॉर एग्जांपल, जैसे अगर हम एग्जांपल देखें, कुछ थिंग्स हैं जिसका हम यूज करते हैं, जैसे लेमन एंड ऑरेंज. लेमन और ऑरेंज में साइट्रिक एसिड पाया जाता है. टोमेटो में आपका ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है. विनेगर में एसिटिक एसिड पाया जाएगा. योगर्ट मीन्स दही, कर्ड, इसमें आप फिजी ड्रिंक्स, जो कोल्ड ड्रिंक्स हम लोग पीते हैं, फिजी ड्रिंक्स, इसमें आपका कार्बोनिक एसिड पाया जाता है. तो ये जितने भी एसिड्स हैं स्टूडेंट्स, ये सारे माइल्ड इनएक्शन है, मीन्स माइल्ड एसिड है. ये हमारे लिए डेंजरस नहीं है, हमको कोई नुकसान नहीं पहुँचाते. ये ईटेबल है, इसको हम लोग खाते हैं, खाने में यूज कर सकते हैं. और ये कैसे एसिड्स हैं, इनको हम वीक एसिड्स बोलते हैं. माइल्ड इनएक्शन है, इसलिए ये कैसे एसिड्स हैं, वीक एसिड्स हैं. कुछ और एसिड्स हैं जिनका बायोलॉजिकल और इंडस्ट्रियल इम्पॉर्टेंस है. जैसे आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसका फार्मूला है HCl. सल्फ्यूरिक एसिड है, इसका फार्मूला है H2SO4. और नाइट्रिक एसिड है, इसका फार्मूला है HNO3. ये सारे एसिड्स कैसे हैं, स्ट्रांग एसिड्स हैं. ये बहुत ही स्ट्रांग एसिड्स होते हैं और डेंजरस होते हैं. इनका बायोलॉजिकल और इंडस्ट्रियल इम्पॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है. इनको हम मिनरल एसिड्स भी बोलते हैं, ठीक है. तो ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड है, इसको स्टूडेंट्स हम लोग मिनरल एसिड्स भी बोलते हैं. और ये जो मिनरल एसिड्स हैं, दे आर वेरी डेंजरस, ये बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं. एंड कैन काज एसिड बर्न ऑन टच. अगर ये गलती से भी ज़रा सा टच हो जाए बॉडी में या स्किन में, कहीं भी इनका इससे टच हो जाता है, ये एसिड टच हो जाते हैं, तो क्या होता है, जलन होने लगती है, बर्निंग होने लगती है, एसिड बर्न. तो इनसे हमको बच के रहना चाहिए. इन ये जो मिनरल एसिड्स हैं या स्ट्रांग एसिड्स हैं, इनको हमको गलती से भी नहीं छूना चाहिए, क्योंकि इससे क्या हो सकता है, एसिड बर्न हो सकता है, हमारे स्किन में जलन हो सकती है. तो फॉर्मेशन ऑफ एसिड्स मीन्स एसिड का फॉर्मेशन कैसे होता है, कैसे हम एसिड को बना सकते हैं. तो एसिड क्या होते हैं, नेचर में बहुत स्मॉल अमाउंट में अपने आप ही फॉर्म हो जाते हैं, इनका फॉर्मेशन हो जाता है. तो एसिड आर फॉर्म्ड इन स्मॉल अमाउंट इन नेचर. नेचर में बहुत कम मात्रा में इनका फॉर्मेशन स्वतः से हो जाता है. लेकिन अगर इसको हमको फॉर्मेशन करना हो तो कुछ तरीके दिए गए हैं, जैसे बाय डिजॉल्विंग ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स. जितने भी नॉन मेटल्स हैं उसके ऑक्साइड्स को अगर हम वाटर में डिजॉल्व कर दें. किस में डिजॉल्व कर दें, वाटर में. जो नॉन मेटल्स हैं आपके, जैसे कार्बन है, सल्फर है और नाइट्रोजन, ये क्या है, नॉन मेटल्स हैं. तो इनके ऑक्साइड्स को अगर हम वाटर में डिजॉल्व कर दें तो हमको एसिड मिल जाता है. जैसे कार्बन का ऑक्साइड क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड. ये कार्बन डाइऑक्साइड किसका ऑक्साइड है, कार्बन का. कार्बन क्या है, एक नॉन मेटल है. तो कार्बन डाइऑक्साइड को अगर हम वाटर में डिजॉल्व करें तो एक एसिड बन जाता है, जिसको हम बोलते हैं कार्बोनिक एसिड. कौन सा एसिड, ये आपका कार्बोनिक एसिड बना. इसका फार्मूला है H2CO3. इसी तरह से सल्फर ट्राइऑक्साइड, ऑक्साइड ऑफ सल्फर. सल्फर क्या है, सल्फर एक नॉन मेटल है. इसका ऑक्साइड SO3, सल्फर ट्राई ऑक्साइड. इसको जब हम वाटर में डिजॉल्व करें तो सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है. सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला क्या है, H2SO4. इसी तरह से ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड NO2, नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड NO2. इसको अगर हम वाटर में डिजॉल्व करें, H2O में डिजॉल्व करें, तो नाइट्रिक एसिड बन जाता है. इसका फार्मूला है HNO3, नाइट्रिक एसिड. और ये नाइट्रिक ऑक्साइड भी इसमें बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में बनता है, मीन्स दो चीज़ें बन जाती हैं, एक तो नाइट्रिक एसिड हमको मिल जाता है और दूसरा नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है. इसी तरह से हाइड्रोक्लोरिक एसिड कैसे बनता है, देखिए हाइड्रोजन क्लोराइड क्या है, गैस है,
अगर ये गैस के फॉर्म में है तो एसिड की तरह बिहेव नहीं करता है, लेकिन जैसे ही हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को हम वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाता है। मींस हाइड्रोजन क्लोराइड गैस एसिडिक इन नेचर नहीं होता है, लेकिन जैसे ही हम इसको वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो ये एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और इसका भी फार्मूला स्टूडेंट सेम है, HCl ही हम बोलते हैं, HCl। HCl मींस हाइड्रोजन क्लोराइड गैस हमको कहाँ से मिलेगी, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने के लिए सबसे पहले हमको क्या चाहिए, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। तो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस स्टूडेंट्स बनता है जब हाइड्रोजन और क्लोरीन, हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस दोनों रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बन जाता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस बनाने के लिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले हाइड्रोजन और क्लोरीन का रिएक्शन कराएंगे, इससे हमको हाइड्रोजन क्लोराइड गैस मिल जाएगा। और इस हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को वाटर में जब हम डिजॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही, एंड स्टूडेंट्स वी विल कंटिन्यू विथ न्यू टॉपिक इन नेक्स्ट वीडियो।